आज का जो टॉपिक है दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रिसेंट टॉपिक में हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो थी आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सम हाउ ऑपोजिट टू द आयनाइजेशन एनर्जी। हमने ये देखा था कि जब भी पॉजिटिव आयन बनता है तो प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक। हमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है और उस इलेक्ट्रॉन के निकालने में जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो हमें देनी पड़ती है। प्रोसेस चूँकि एनर्जी मांग रहा है तो वो एंडोथर्मिक कहलाता है। इसी तरह जब नेगेटिव आयन बनेगा जिसको हम एन आयन कहते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ एन आयन इज एक्सोथर्मिक। आप जब भी किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव आयन आएगा, एन आयन बनेगा और प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो कि रिलीज होगी किसी भी एटम के अंदर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने पर। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी के ऑपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो डेफिनेशन है दैट इज एनर्जी रिलीज्ड वेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स टू एन एम्प्टी, या वो एम्प्टी शेल में ऐड होगा या पार्शली फिल्ड शेल या ऑर्बिटल ऑफ एन गैसियस एटम। तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स टू एन एम्प्टी या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। एन आयन को बनाते वक्त एक मेरे पास एटम ए था, ये न्यूट्रल है, इसके अंदर मैंने जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया तो मेरे पास ए नेगेटिव बन गया और जो एनर्जी इसमें से रिलीज होगी दैट वुड बी टर्म्ड एज दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको अगर हम दूसरे टर्म्स में समझें या इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब भी किसी चीज़, एफिनिटी जो है ये जनरल जो वर्ड है इंग्लिश का, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की तरफ, इसको अगर हम उर्दू में कहें तो रग़बत, मतलब किसी चीज़ की तरफ खिंचाव रखना, किसी चीज़ की तरफ मुतासिर होने की जो एबिलिटी है दैट इज़ कॉल्ड एफिनिटी। जैसे कि हम कहते हैं जी कि वाटर की और ऑयल की जो एफिनिटी है वो बड़ी कम है, मतलब ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, इनकी एफिनिटी एक दूसरे के साथ नहीं है, कम है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है जी कि कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी एटम एक बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से अपने अंदर जो है उसको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, उसके लिए उसकी रग़बत कितनी है, वो कितनी एफिनिटी जो है उसको कितनी आसानी से जो है वो अपने पास जगह दे सकता है। तो ये जो होगा इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक और भी जो हमारे सामने इस शक्ल में आती है वो ये है कि इट इज़ द मेजर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, के जो एक्स्ट्रा बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए किसी भी न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कितनी है। जितनी ज़्यादा होगी हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा है, और जितनी कम होगी हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी जो है वो कम है। यहाँ पर एक और बात याद रखें, जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिपोर्ट करते हैं तो हम नेगेटिव साइन के साथ रिपोर्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमने शुरू में इसको स्टडी किया कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि एनर्जी जो है
वो क्या हो रही है, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जब भी एनर्जी रिलीज होगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है और उसके साथ नेगेटिव साइन आता है। तो एन आयन की फॉर्मेशन को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लोरीन का एटम था, क्लोरीन न्यूट्रल एटम था, इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया और मेरे पास क्लोरीन का एन आयन बन गया। इस एन आयन फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई, जिसको हम डेल्टा एच कहते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज -349 किलो जाउल पर मोल। -349 किलो जाउल पर मोल का मतलब है कि इतने एक मोल अगर मेरे पास हो तो 349 किलो जाउल एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। नेगेटिव साइन शोज दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट था अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम जाते हैं उसी तरह जैसे हमने उसमें स्टडी किया था आयनाइजेशन एनर्जी में, यहाँ पे भी फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देज आर द सेम फैक्टर्स। उसी तरह एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कैसे कैसे डिपेंड करेगी? कि इलेक्ट्रॉन जितनी दूर होगा या एटम जितना बड़ा होगा, उतने उसके लिए इलेक्ट्रॉन को लेना डिफ़िकल्ट होगा या आसान होगा, वो हम देखेंगे। तो एटॉमिक साइज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है। इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, कि न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, वो कितनी फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, क्या वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा या नहीं खींच पाएगा। तो ये एक दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज का, विच इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड द थर्ड वन इज अगेन द शील्डिंग इफेक्ट, कि जो बड़े शेल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो आपस में रिपल्शन करते हैं, उसकी वजह से नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या सामना करना पड़ता है, या नया आने वाला इलेक्ट्रॉन के लिए वो एटम कितनी एफिनिटी, कितनी अट्रैक्शन जो है वो शो करता है। तो ये जो है तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपके पास आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अब अगर आप इसको देखें, तो अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि न्यूक्लियस जो है कितनी फोर्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं और मैं कहूं कि अगर तो इनकी फोर्स जो सी है वो, अब देखें दूसरी चीज, तीसरी जो चीज़ है दैट इज एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। इसका और इस फोर्स का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे वैसे क्या होगी, कम होती जाएगी। जाहिर सी बात है, ये अगर न्यूक्लियस है तो ये यहाँ से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कम है एटॉमिक रेडियस, और अगर यही न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये डिस्टेंस अब ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज जो होती हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कि अब ये न्यूक्लियस से दूर है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अफिनिटी जो है वो उसकी कम हो जाएगी, उसको इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि न्यूक्लियर का चार्ज जो है वो कम हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे अभी, उनका जब हम स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल में बिहेवियर। तो अब हम आगे चलते हैं अपने पीरियोडिक ट्रेंड की तरफ, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम पीरियड की बात करते हैं, तो पीरियड जो कि लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कैसे वर्क करेगी, उसको हम देख लेते हैं। अब अगर आप पीरियड
पीरियड की बात करें तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। क्यों डिक्रीज हो रहा होता है कि आपके पास शेल तो वही रहता है लेकिन शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 था 2 3 और ये पीरियड के अंदर बढ़ते जाते हैं। अब सेम डिस्टेंस पे जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा होता है तो ये ज़्यादा फोर्स से अपने पास खींचता है और ये जो है इनका एटॉमिक रेडियस ये डिक्रीज़ होता है। ये हम एटॉमिक रेडियस के टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ के भी हम आए हुए हैं। तो रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है। अब रेडियस डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन उसके करीब आएंगे, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट विल बी इंक्रीज्ड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। वो इंक्रीज़ क्यों होगी कि जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है तो वो चार्ज नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ आसानी से खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज होगी। वो कहता है यही वजह है कि जो अल्कली मेटल्स हैं जिनमें सोडियम और पोटेशियम आते हैं दे नॉर्मली शो वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतना वेलकम नहीं करते एज़ कम्पेयर टू हेलोजेंस। तो हेलोजेंस अगर आप पीरियड टेबल को देखें तो अल्कली मेटल्स शुरू में आते हैं पीरियड के और हेलोजेंस पीरियड के एंड में आते हैं, और हेलोजेंस जितने भी हैं दे फॉर्म दी एनाइन। वो एनाइन बड़ी आसानी से हंस के बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो होती हैं वो ग्रेटर होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। तो साबित क्या हुआ कि पीरियड के अंदर मूव करते हुए हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो जाती, वो इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है। और उसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वेलकमिंग होता है। यही वजह है कि अल्कली मेटल्स नेगेटिव आयंस नहीं बनाते जबकि हेलोजिन नेगेटिव आयंस एनायंस बड़ी आसानी से बनाते हैं। अब अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में इसका ट्रेंड जो है वो होगा उल्टा। ग्रुप में जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, वो होगी डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ क्यों होगी ग्रुप में आते वक्त, उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे मूव कर रहे हैं एडिशन ऑफ शेल हो रही है। हर नए स्टेप के ऊपर एक शेल का इजाफा उसकी कॉन्फ़िगरेशन में हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक शेल जो से हैं वो बढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक शेल बढ़ने का मतलब क्या है, अगर ये एक शेल था फिर मैं और नीचे आया तो 2 शेल, फिर मैं और नीचे आया 3 शेल, और इस तरह से साइज़ जो है वो क्या हो रहा है ऊपर से नीचे आते वक्त बढ़ रहा है। अब ये जो साइज़ का इंक्रीज़ है इसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, और इस बढ़ते हुए डिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है मतलब यहाँ पे इस न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे नज़दीक है तो न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है और नज़दीक है तो न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस के खींचने की ताकत नज़दीक जो है तो और भी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को एफिनिटी जो है नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वो इतना वेलकमिंग नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है तो वो आगे ही न्यूक्लियस उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, न्यूक्लियस से वो दूर हैं डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन इसलिए वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ उनकी एफिनिटी जो होती है वो बड़ी कम होती है। साथ ही साथ जो दूसरा फैक्टर है साइज़ के अलावा या शेल के ऐड होने के अलावा, ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर है जी शील्डिंग इफेक्ट का। सिमिलरली सेम उसी तरह जो हम अपने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ के हैं, शील्डिंग इफेक्ट वाज के आपका जो शेल है उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करते हैं और रिपेल करने की वजह से वो फैल जाते हैं और उनका शेल जो है वो इस जगह पे आ जाता है। अगर वो इस जगह पे पहले था तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो एक्सपेंड कर जाएगा। अब एक तो वो पहले ही दूर है और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो और दूर हो गए। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस का कंट्रोल इनके ऊपर कम होता जाएगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होगा ये नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर सकेगी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है ग्रुप में मूव करने से। इसकी एग्जांपल आप ऐसे देखें कि अगर ये एक न्यूक्लियस है, ये एक मेरे पास
मैग्नेट है और इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो आप सिंपल कोई भी इसका आंसर दे सकता है कि अगर एक पार्टिकल इधर पड़ा है और एक पार्टिकल इधर पड़ा है तो न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स से इसको अपनी तरफ खींचेगा बजाय इसके। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का कंट्रोल, ये मैग्नेट का कंट्रोल इस पार्टिकल के ऊपर वीक होता जा रहा है। जैसे ये इधर जाएगा तो इसके ऊपर बहुत कम फोर्स लगेगी, और अगर ये इसकी फील्ड से बाहर चला जाएगा तो ये न्यूक्लियस जो है, ये जो मैग्नेट है, ये इसको नहीं खींच सकेगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, इसका कंट्रोल उसके ऊपर कम होता जाता है। सिमिलरली अगर आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर दूर चला गया है इससे, तो इसका कंट्रोल करना उसको मुश्किल होता जा रहा है, उसकी फोर्स वीक होती जा रही है। और जैसे ही बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन एंटर होने की कोशिश करेगा, तो ये उसको इतना वेलकमिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये अपने ही इलेक्ट्रॉन्स पे तो इसका भी वीक कंट्रोल है। जैसे दूर जा रहा है, इसके अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको कम मिल रही है, तो ये नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को कैसे एडजस्ट करेगा। तो दिस इज़ द ट्रेंड कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इन दी ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज होती है, उस पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। ये सेम ट्रेंड है जैसा कि आयनाइजेशन एनर्जी का था, लेकिन इनकी वजूहात डिफरेंट हैं, और ये ट्रेंड अक्सर आपसे क्वेश्चन पेपर में जो है वो पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपकी बुक में ये भी, अच्छा अब ये भी, ये तो जनरल ट्रेंड्स थे, लेकिन एक्सेप्शन जो हैं वो भी आपके पास मौजूद हैं, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो इन ट्रेंड को फॉलो नहीं भी करती। उसकी एक एग्जांपल आपकी बुक में उसने दी हुई है, वो कहता है जी जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जो है, फ्लोरीन से नीचे आता है क्लोरीन। अभी हमने पढ़ा कि ग्रुप में नीचे आते वक्त इसको डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की जो वो एफिनिटी है वो कम है क्लोरीन से। अगर क्लोरीन की 10 है तो फ्लोरीन की 8 है, तो ये तो बढ़ रही है, लेकिन ऊपर से नीचे इसको क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो ये एक एक्सेप्शन है, और उसकी वजह वो आपकी बुक में भी बता रहा है। उसकी वजह ये है कि आपका जो फ्लोरीन का एटम है, दैट इज़ वेरी स्मॉल। स्मॉल होने की वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो थिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। फ्लोरीन इज़ 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो ये स्मॉल होने की वजह से 2 और 7, इसको जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसके थिक क्लाउड होने की वजह से, इसके स्मॉल साइज और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब होने की वजह से, ये जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है इसको क्या मिलती है, रिपल्शन। ये रिपेल होता है, रिपल्शन होगी तो ये इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो सकेगा, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है क्लोरीन के निस्बत। ये फर्जी हमने वैल्यू सपोज की है कि इसकी 8 है तो इसकी ज़्यादा होगी, 10 हो सकती है, तो इसकी वजह उसने ये बताई है। लेकिन जो जनरल ट्रेंड है वो ये है कि ऊपर से नीचे जब आप जाते हैं ग्रुप के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो सी हैं वो डिक्रीज होती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये जो बात उसने डिस्कस कर दी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछी भी जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन, कि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम है क्लोरीन से, लेकिन ट्रेंड कहता है कि ये क्लोरीन की कम होनी चाहिए, तो इसकी क्या वजह है। तो ये वजह जो है आप उसको एक दो लाइनों में समराइज करके बताएंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, के होती क्या है, इस पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, और किस तरह से जो है आपके पास इसका ट्रेंड क्या होता है पीरियड्स में एंड ग्रुप्स में। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक नए एरिया की तरफ इस चैप्टर के मूव कर जाएंगे। तो ये आज का टॉपिक था।